हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए तीन डेटा एंट्री जॉब्स लेके आई हूं, जिसमें आपकी फिक्स सैलरी रहेगी और साथ ही आपको हाई अर्निंग करने का भी मौका मिलेगा काफी टाइम से कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आ रही थी डेटा एंट्री जॉब्स के लिए काफी सारे कैंडिडेट्स सेल्स कॉलिंग टारगेट बेस्ड प्रोफाइल में कंफर्टेबल नहीं थे तो आपको बता दूं ये जो जॉब है इसमें कोई भी टारगेट नहीं है कोई भी सेल्स का काम आपको नहीं करना है और कोई भी कॉलिंग नहीं होगी कस्टमर सर्विस जॉब ये नहीं है ट्वेल्थ पास ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर सभी एलिजिबल हैं मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एक फुल टाइम रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब है बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा लाइफस्टाइल स्टाइल अलायंस प्लस आपको मिलेगा वाईफाई और इंटरनेट अलाउंस लाइफस्टाइल स्टाइल अलाउंस में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जैसे कि अगर आप ओ टी प्लेटफॉर्म्स का रिचार्ज करवाते हैं वो आपको कंपनी देगी अगर आप रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करते हैं उसका भी आपको कंपनी पेमेंट करेगी साथ ही हेल्थ एंड फिटनेस अगर आपने जिम मेंबरशिप ली है तो वो पेमेंट भी आपको कंपनी देगी इसके साथ आपको मिलेगा अपने लिए और आपकी फैमिली के लिए फोर लैक्स तक का हेल्थ इंश्योरेंस तो इतने सारे यूनिक बेनिफिट किया हुआ है अगर आप फ्रेशर हो और आपको डेटा एंट्री का नॉलेज नहीं है तो भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी बस इस जॉब के लिए आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए यहाँ पे बेसिकली जो आपका काम होगा वो होगा डेटा को वेरीफाई करना एरर्स फाइंड आउट करना एक्यूरेसी चेक करना और रिपोर्ट को सबमिट करना तो अब देखते हैं सारी ही जॉब्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी रिक्वायरमेंट क्या होगी और कैसे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आगे इस वीडियो में बताया हुआ है अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब और पास बेलेकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम जॉब रिगार्डिंग अपडेट्स आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहे तो लेट्स गेट स्टार्टेड तो यह है सबसे पहली ओपनिंग जो कि है डेटा एंट्री ऑपरेशन इंटर्नशिप स्प्रिंग वर्क तो अभी ये इंटर्नशिप है लेकिन यहां पे आपको फुल टाइम एम्प्लॉय बनने का भी मौका मिलेगा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी जीरो टू वन ईयर तक का एक्सपीरियंस है आपके पास आप लोग अप्लाई कर सकते हैं रोल ओवरव्यू में आप लोग चेकआउट कर सकते यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट दी एच आर टेक इको सिस्टम बट शुड बी एक्साइटेड टू लर्न वी आर सीकिंग अ कमिटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड इंडिविजुअल टू जॉइन आर टीम कैंडिडेट हु परफॉर्म वेल विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी कन्वर्टेड टू अ फुल टाइम इम्प्लॉय तो अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो यहाँ पे आपको मौका मिलेगा फुल टाइम एम्प्लॉय बनने का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन टीम्स को हेल्प करना होगा डे टू डे वर्क में जो भी ऑपरेशन टीम्स का काम है उनको आपको हेल्प करना है प्रिपेयर करना है शॉर्ट करना है डॉक्यूमेंट्स को फॉर डेटा एंट्री तो जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे उनको आपको प्रिपेयर करना है साथ ही शॉर्टिंग भी करनी होगी डॉक्यूमेंट की कौन सा इंपॉर्टेंट है डेटा एंट्री के काम के लिए

Review data for deficiencies or error, solving discrepancies in the information and obtaining further information for incomplete document. तो अगर कहीं पे document incomplete है, तो obtain करने होंगे आपका information ताकि आप उस incomplete document को complete कर पाओ। Reports store करना होगा जो काम complete हो गया है, उसे store करना है designated locations में और perform करना है backup operations को। Take पे आपको calls भी करनी पड़ सकती है ऑपरेशन टीम्स के साथ आपको कॉर्डिनेट करना होगा ताकि आप डेटा को वेरीफाई और मेंटेन कर पाओ अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स वाया फोन ईमेल और चैट इन यूजिंग गूगल डॉक्स स्लाइड्स एंड शीट्स तो यहाँ पे बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर का यूज आपको नहीं करना है गूगल डॉक्यूमेंट्स कैसे यूज होते हैं स्लाइड्स कैसे यूज होती हो? sheets कैसे use है और शीट्स कैसे यूज करते हैं वो आपको आना चाहिए अगर आपको ये नहीं आता है तो ट्रेनिंग दी जाएगी अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो YouTube पे भी आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप सीख सकते हो एक्सलेंट कोऑर्डिनेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स विद एबिलिटी टू थिंक प्रोएक्टिवली एंड प्रायरिटाइज वर्क ये एक फुल टाइम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है एंड यू शुड बी अवेलेबल फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ मंथ्स मंथ्स के लिए ये इंटर्नशिप होगी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फुल टाइम एम्प्लॉय में अगर बिजनेस के रिक्वायरमेंट है कि आपको वीकेंड्स में भी अगर काम करना है तो उसका आपको कॉम्प ऑफ मिल जाएगा तो जो आपका वर्किंग डे होगा उसमें आप ऑफ ले सकते हो ज़रूरत होगी, बहुत काम है, तभी आपको वीकेंड्स पे काम करना होगा वरना ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वीकेंड्स में भी काम करना पड़े अब बात करते हैं बेनिफिट्स की सबसे पहले आपको मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फोर लैक्स इसमें आपका इंश्योरेंस कवर होगा चिल्ड्रन का स्पॉस का साथ ही अनलिमिटेड फ्री टेली डॉक्टर कंसल्टेशन विद 15 डिफरेंट स्पेशलिस्ट फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर तो आप फोन से भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री होगा लर्निंग एंड डेवलपमेंट बजट अप टू 21,000 तो अप टू 21,000 वन यहाँ पे आपकी सैलरी होगी इसके अलावा आपको मिलेगा अलाउंस एंड इंटरनेट अप टू थ्री थाउजेंड पर मंथ टूवर्ड्स फूड ओटी टी हेल्थ एंड फिटनेस वाईफाई इंटरनेट क्लेमिंग एनीथिंग इन दिस कैटेगरी तो आप कोई भी चीज क्लेम कर सकते हो लेकिन आपके पास आपका बिल होना चाहिए जिसमें आपका नाम लिखा हो अगर आप जिम मेंबरशिप ले रहे हो तो वो मेंबरशिप आपके नाम पे होनी चाहिए इंटरनेट का बिल है तो वो आपके नाम पे होना चाहिए तभी आपको रि मिलेगा अगर आप स्प्रिंग वर्क के बारे में और जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो ग्लास डोर पे भी स्प्रिंग वर्क के रिव्यूज हैं अगर किसी कंपनी की रेटिंग फोर स्टार या उससे ज्यादा होती है तो वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है जिसका वर्क कल्चर अच्छा हो तो चेक करते हैं इस कंपनी को कितनी रेटिंग मिली है तो ये है स्प्रिंग वर्क का पेज ग्लास डोर पे आप देखते हैं यहाँ पे कंपनी को कितने रिव्यूज मिले हैं तो यहाँ पे कंपनी को 4.3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है अप्रूव्ड ऑफ सीईओ 93%, परसेंट रिकमेंडेड टू फ्रेंड 87 तो यहाँ पे जो रेटिंग है वो फोर स्टार से अब है तो इसका मतलब है ये कंपनी जेनविन है वर्क फ्रेंडली है अब देखते हैं इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है उसके बाद अपना फुल नेम एड्रेस अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है वर्क वेबसाइट है रेफरेंस लिंक link है लिंक प्रोफाइल है तो आप यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हो साथ ही आपको अपना फुल नेम देना है फोन नंबर देना है और इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है सिर्फ इतना ही यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा अब अपनी नेक्स्ट जॉब को देखते हैं ये जॉब मेंटोरसिटी कंपनी की तरफ से आई हुई है मेंटोरसिटी एक एटेक कंपनी है यहाँ पे काफी सारी ओपनिंग आपको देखने को मिल जाएंगी मैं आपको डायरेक्टली यही लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोग और जॉब्स के लिए भी कर पाओ। पे आप लोग काफी सारी आपको मिल जाएंगी जो कि के लिए हैं, रिमोट हैं। लेकिन अभी हम जिस जॉब के बारे में बात करेंगे सबसे पहले वो है डेटा एंट्री के लिए डेटा एंट्री रिमोट जॉब है ये जीरो तक अगर आपको एक्सपीरियंस है आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो तो ये जो डेटा एंट्री का काम होगा ये आप काम करोगे अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस डेटा एंट्री प्रोफेशनल एंड कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग द द इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटा रिकॉर्ड्स की जो होंगी वो होंगी डेटा एंट्री की इनपुट एंड अपडेट डेटा इन टू डेजिग्नेटेड डेटा बेसिस स्प्रेडशीट एंड अदर सिस्टम फॉलोइंग स्टैब्लिस्ड गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स एंड क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी होगी एनश्योरडेड ऑल डेटा एंटर्ड है जो वो एक्यूरेट है कंप्लीटेड है एंड फ्री ऑफ एरर्स है जिसमें आप करोगे एफिशिएंसी वर्क डेलीजेंटली टू प्रोसेस क्विक डेटा एंड एफिशियंटली वाइल अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी डेटा वेरिफिकेशन रिव्यू एंड वेरीफाई डेटा फॉर इनकंसिस्टेंसीज और डिस्क्रिपेंसीज रिजोल्विंग एनी इश्यूज प्रॉन्टली टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी तो यहां पर पहले आप डेटा वेरीफाई करोगी कि कोई भी इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है डेटा में और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे रिजोल्व करोगे ताकि डेटा एक्यूरेट हो कॉन्फिडेंशियलिटी हैंडल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद द आउटमोस्ट डिस्क्रेशन एंड एदर टू दिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स रिकॉर्ड मेंटेनेंस organize and maintain data file and record to ensure they are up to date and easy accessible data cleansing identify and collect errors and outdated information in existing database through data cleaning processes team collaboration collaborate with team members to support data entry tasks and assist in other related projects when necessary

जेंडर मेल फीमेल और प्रेफर नॉट टू से अगर आपने पहले जॉब किया हुआ है तो आप अपनी सी टी सी एक्सपेक्टेड सी टी सी यहाँ पे एंटर कर सकते हो लेकिन ये ऑप्शनल पार्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे फिल करो एजुकेशनल डिटेल्स भी ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो वर्कलाइन ऑनलाइन पोर्टफोलियो अगर आपका कोई ऑनलाइन पोर्टफोलियो है या फिर आप अपनी लिंक की प्रोफाइल या फिर कोई भी प्रोफाइल एड करना चाहते हो तो वो लिंक आप यहां पे दे सकते हो उसके बाद आपको रिज्यूम अटैच करना होगा और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है नेक्स्ट जो ओपनिंग है वो है कंटेंट राइटर की ये भी एक इंटर्नशिप रहेगी जीरो टू वन ईयर तक का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली ये कंटेंट राइटिंग का वर्क लिंगड प्रोफाइल के लिए है तो जो कंपनी की लिंगड प्रोफाइल होगी उसमें आपको कंटेंट राइटिंग का काम करना होगा तो यहाँ पे आपको कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी अदर टीम मेंबर्स के साथ अंडरस्टैंड दंपनीज ब्रांड वॉइस मैसेजिंग एंड टारगेटेड ऑडियंस टू टेलर योर कॉन्टेंट अकॉर्डिंगली साथ ही आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा जैसे क्रिएट अ वाइटी ऑफ कंटेंट टाइप सर्च एस आर्टिकल पोस्ट वीडियो इन्फोग्राफिक्स एंड मोर एंड डेट योर कंटेंट इज इन्फॉर्मेटिव रेलेवेंट एंड शो केल्चर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपका जो कॉन्टेंट है उसमें आपको अपना ओपिनियन देना होगा एक्सपर्टीज शेयर करनी होगी स्टोरी टेलिंग करनी होगी साथ ही ऐसा कॉन्टेंट जनरेट करना है जिसमें नेटवर्किंग एंड एंगेजमेंट हो कंसिस्टेंट रहना होगा कंटेंट के साथ साथ ही डेटा एनालिसिस भी करना है यहां पे आपको कोलैबोरेशन विद डिफरेंट टीम कंपनी टुगेदर इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट फॉर योर कंटेंट इंडस्ट्री रिसर्च होगी स्टे अप टू डेट विद इंडस्ट्री ट्रेंड न्यूज एंड डेवलपमेंट तो कॉन्टेंट राइटिंग में आपको हमेशा अप टू डेट रहना होता है क्या क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं क्या न्यूज है और क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं एथिकल एंड तो आपको ऐसा कोई भी कॉन्टेंट पोस्ट नहीं करना है जिसमें कंपनी की रेपुटेशन खराब हो अब ये जो पोजिशन है कॉन्टेंट राइटर की फॉर लिंक इंटर्नशिप इसका मेन मोटिव यह है कि प्रोवाइड करना वैल्यू टू योर ऑडियंस फॉर्स्ट ऑफ मीनिंगफुलशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिविटी टू दाइन प्रेजेंस तो मेन तो जो कंटेंट राइटर है उनका काम यही होगा कि कंपनी के लिए मीनिंगफुल कंटेंट लिखें अच्छे कनेक्शंस बने और जो कंपनी की इमेज है वो हमेशा पॉजिटिव रहे इस जॉब के लिए भी सेम प्रीवियस जॉब की तरह ही अप्लाई करना है क्योंकि ये भी सेम कंपनी की तरफ से ओपनिंग आई हुई है अगर आप किसी अदर पोजिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहां पे अदर जॉब ओपनिंग्स भी मिल जाएंगी अगर कोई भी क्वेरी होती है इन जॉब्स के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो